बताइए हम कहाँ खाएंगे, बताइए हमारे बच्चे मर रहे हैं, आप राशन पहुँचाएंगे? राशन पहुँचाएंगे या तो हमको दीजिए, हम चांदों का सो है नहीं ठेला लाएंगे। बताइए बताइए, हम लोग 10-20 रुपया कमा के 150 जाके बच्चा जी लाते हैं, बताइए जब आप दुकान ही नहीं लगा रहे हैं तो हम कहाँ से कमाएंगे? सब खुशी है सर जी। अच्छा, सब कुछ मिला हुआ है? सब खुशी है, लेकिन सर जी ये क्या कर रहे हैं, हमको इसका जवाब दीजिए। अच्छा, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी समय मैं हूँ बनारस में, और बनारस में मैं आया था G20 देखने, यहाँ का माहौल कैसा है। तो यहाँ पर जैसे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे एक हमारे साथ चाचा जी हैं, ये देखिए G20 के जैसे मैंने नाम लिया तो काफ़ी गर्मा गए, और गर्माए कहाँ हैं तो हमसे जानना चाहेंगे काहे गर्माए हैं, ये बताइए क्या क्या नाराजगी आपको बोलना चाहेंगे? सर जी हमारा दुकान खत्म है, हम बताइए कहाँ से खाएंगे? क्या दुकान है आपका, किस चीज़ का दुकान है? फल का। फल का दुकान है, तो कैसे खाएंगे ये बताइए। दुकान कहाँ है ये समय? आगे है। अच्छा, आगे लगाए हैं? अच्छा, इसी रोड पर लगा रहे थे आप? हाँ, आगे है, चलिए हाँ। दिखा रहे हैं हम, जैसा कि आपसे बताना चाहूँगा G20 इस समय सम्मेलन चल रहा है, तो यहाँ पे रोड पे जितने भी ठेले लगे हुए हैं या दुकान है सबको हटवा दिया गया है। तो इन चाचा को यही तकलीफ है कि मेरा ठेला हटवाया क्यों गया? सर जी ऐसे हम लोग 20 आदमी है, एक नहीं है। हाँ, अगर इस एरिया की बात करें 20 लोग हैं? हाँ 20 हैं। हाँ 20 लोग के बताए दुकान हटवा दिए, हम लोग कहीं कोने में लगा रहे हैं कॉलोनी के अंदर, बताइए हम लोग को कहाँ से हमारा बाल बच्चा जियेंगे? अच्छा, तो मोदी जी से आप काफ़ी गुस्सा हैं? मोदी जी तो अच्छा किए लेकिन बाद में गलत किए हैं। अच्छा, मतलब अच्छा भी करते हैं खराब भी किए हैं? हाँ नहीं भाई, हम पहले खराब कर दिए हैं, इस समय खराब किए हैं मोदी जी। अच्छा, क्या खराब किए हैं? हम लोग को दुकान नहीं लगने दे रहे हैं। अच्छा, तो कहने मतलब ये G20 में साफ सफाई का दिखाना होता है ना? मोदी जी आप सर समाई दिखाइए लेकिन जनता को मुआइए मत। हाँ, आपका बात कहीं ना कहीं सही है, वो सच्चाई यही है। दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा कि कोई गरीब व्यक्ति अगर ठेला लगा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। सही बात है, स्थान मिलना चाहिए। आपको स्थान नहीं दिया गया है? नहीं नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है भाई। अच्छा, तो यही आपको दिक्कत है। अच्छा, मोदी जी का आप अच्छा काम क्या लगा मोदी जी का, ये बताइए आप? मोदी तो बहुत अच्छा काम किया भैया, हमारा तो घर बना, हम तो उनकी बुराई नहीं बता, लेकिन मोदी जी इधर बीच खराब किए हैं। अच्छा, बताइए बताइए, हम लोग 10-20 रुपया कमा के 150 जाके बच्चा जी लाते हैं, बताइए जब आप दुकान ही नहीं लगा रहे हैं तो हम कहाँ से कमाएंगे? सही बात है, ये बताइए मोदी जी जैसा कि योगी जी इस समय अपने उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं, उनका काफ़ी नाम है, योगी जी के तरफ से राशन मिला है या आवास आपको मिला है कि नहीं मिला है? सब खुशी है सर जी। अच्छा, सब कुछ मिला हुआ है? सब खुशी है, लेकिन सर जी ये क्या कर रहे हैं, हमको इसका जवाब दीजिए। अच्छा, इसका जवाब चाहिए, मतलब योगी सरकार से यही चाहते हैं? यही जवाब मैं चाहिए। हाँ, तो दोस्तों अभी आप सभी ने देखा कि चाचा का जो गुस्सा है, गुस्सा इसलिए है कि इनका यहाँ पे ठेला लगा हुआ था। जैसे ये देखिए सड़क है, बगल में देख रहे हैं ये पूरा अभी सन्नाटा एकदम खाली दिखाई दे रहा है, अभी इधर आगे जाएंगे तो ये कचहरी के साइड अब चले जाएंगे, ठीक है? अब बता रहे हैं यहाँ पे ठेला लगाया गया था, यहाँ ठेला हटवा दिया गया, तो ये चाचा कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हैं कि इनका दो पैसे परेशान है, बच्चे क्या खाएंगे बताइए आपका? छोड़िए छोड़िए आप, बोलिए बोलिए हम पकड़े हैं, बच्चे क्या खाएंगे बताइए? चार चार देखे जिसके पास लड़का है वो क्या खाएगा? सही बात है, बताइए आप, आप तो ऊपर बैठे हैं, आप तो नीचे हैं ना जी, तो बताइए क्या खाएंगे? तो जैसा कि आपसे बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे निकला था G20 का सम्मेलन का जो भी व्यू था हम आपसे भी दिखाना था, बट यहाँ पे चाचा मिले तो इनका एक प्रॉब्लम यही है। सच में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जितने सारे ठेले लगे थे, मैं भी इस रास्ते से आना जाना रहता है तो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे ठेले लगे थे लेकिन हटा दिए गए हैं। रुके रुके सर जी, फोटो खींचिए, मोबाइल देखिए, हम लोग को दुकानदारी के बात है, दूर से बोला तू दुकानदारी का 20-30 ठेला बताइए हम लोग कहाँ खाएंगे? बताइए हम कहाँ खाएंगे? बताइए हमारे बच्चे मर रहे हैं, आप राशन पहुँचाएंगे? राशन पहुँचाएंगे या तो हमको दीजिए, हम चांदों का सो है नहीं ठेला लाएंगे, मोदी जी से। तो अभी आप सभी ने देखा कि ये चाचा नाराज होकर यहाँ से चले गए, इनका यही कहना है कि मेरा यहाँ पे दुकान लगता था, G20 जब से शुरू हुआ है तब से इनका दुकान बंद करवा दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम है योगी सरकार से, मोदी सरकार से इनका कहना था, आप सभी ने सुना भी है। तो चलिए दोस्तों आगे जैसा होगा आप सभी को अपडेट देने की कोशिश करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में यही रखता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।